आज के इस अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में हम बहुत बेहतर तरीके से कंपैरिजन का एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक नया तरीका हो सकता है कि आपके लिए हो ये, बट आइए सीखते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, आपके पास सिंपल तरीका यही है पहले कि आप x माइनस वन की होल पावर x प्लस वन है, यहाँ तो आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, बट हाँ यहाँ पर आप एक जरूर काम कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें कि हम 32 को 1/32 को कितना लिख सकते हैं, 1/2 की होल पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यदि आप साथ के साथ इसको और देखें तो हम इस अंडर रूट को क्या 1/2 पावर लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए हमें काम करना है, बस 1/32 को हम 1/2 की होल पावर 5 लगा ही सकते हैं और अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। थोड़ा सा और अगर हम कैलकुलेट यहाँ पर करने पर आए, यहाँ पर हम जानेंगे सर x माइनस वन की होल पावर आ जाएगी हमारे पास x प्लस वन, ठीक है सर जी। और यहाँ पर फिर आप बोलोगे सर 1/2 की पावर आ जाएगी हमारे पास कितना, अब पावर की होल पावर है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा जी सर। अब बचपन से लेकर हम एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बेस इक्वल होने पर पावर भी इक्वल होती है और पावर इक्वल होने पर बेस भी इक्वल होते हैं, ये बात हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ में दिख नहीं रहा है कि पावर इक्वल है बेस इक्वल है, क्या है ये, कुछ नहीं, क्या करोगे। लेकिन एक बात बहुत गौर से देखोगे ना आप, इसमें यहाँ पर इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है ना इसकी पावर में और जो बेस में, वो कितने का डिफरेंस है, आप यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर 5/2 है और यहाँ पर 1/2 है, 5/2 में से अगर आप 1/2 को घटाओगे ना, यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप जी। और इनमें भी आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे, अगर आप 1/x+1 में से अगर आप x माइनस 1 को घटाओगे तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, 2 डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो डिफरेंस है ना वो सेम आने लग रहा है, अगर आपका डिफरेंस सेम आने लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, सर x प्लस वन जो है ना उसको हम 5/2 के बराबर रख सकते हैं, या फिर हम x माइनस वन को भी 1/2 के बराबर रख सकते हैं। तो आप x माइनस वन को अगर 1/2 के बराबर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, या फिर आप x प्लस वन को 5/2 के बराबर भी लिखना चाहें तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल। और यहाँ से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, x प्लस वन बराबर हमारा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, समझिए आप ये बात करें। तो कंपेरिजन का एक ये भी तरीका होता है, आप यहाँ पर घटा लेंगे तो 5/2 में से अगर हमारा यहाँ पर 1 जाएगा तो बेसिकली x की वैल्यू जो होगी वो 3/2 हो जाएगी, और यही दोस्तों जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे हमारी इतनी बात, कंपेरिजन का क्या क्या तरीका हो सकता है, उसमें से एक तरीका ये है, अगर आपका डिफरेंस सेम है तो फिर आप इन बातों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते नहीं है कई बार, तो हमें लगता है कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं, बट ऐसा कर सकते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लेकिन आप इन तरीके के प्रश्नों को घर पर बनाने का प्रयास ना करें, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो विद्वानों ने बनाए हुए क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से आप खुद से क्वेश्चन ना बनाइएगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।